जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 75 वार्ड्स हैं जो आज जो है वो अनाथ हो चुकी हैं। जी हाँ, कॉर्पोरेशन जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब 75 वार्ड्स में कोई भी काउंसलर नहीं है। अगर वार्ड के लोगों को कोई परेशानी होगी तो किसके पास जाना है उनको नहीं पता। जी हाँ, और इसके साथ साथ बात करते चले, इलेक्शन को लेकर हर कोई आंखें उठाए इंतजार कर रहा है कि कब जो है इलेक्शन दस्तक देंगे, कब जो है उनकी मर्जी की सरकार आएगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और भी कई सारे मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ खास बातचीत में रमन बल्ला जी हैं, बखूबी आप इनको जानते हैं, सियासत की एक बड़ी पहचान है जम्मू कश्मीर के अंदर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। सीधा सवाल से शुरुआत करूंगा, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर फिलहाल अभी जो है कॉर्पोरेशन जो है वो खत्म हो चुकी है और लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनको कहाँ जाना है वो नहीं समझ पा रहे। हालांकि एलजी साहब आज पहुंचे यहाँ पर और उन्होंने जो काउंसलर्स हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट किया, कैसे देखते हैं आप इसको? अब ये अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। आप जम्मू कश्मीर में सिर्फ वार्ड बंदी के नहीं, जम्मू कश्मीर का पूरा वाम खुदा के हवाले है। जमहूरियत नाम की यहाँ पे चीज नहीं, डेमोक्रेसी को बिल्कुल उसका मर्डर करके रख दिया। और कॉर्पोरेशन तो उसकी कड़ी है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना ये सरकार का काम था कि फौरी तौर पे जब चुनाव का इनका वक्त टेंडर खत्म हुआ उससे एक महीने पहले सब सिस्टम सेट होना चाहिए था। ऑब्जेक्शन भी दे दी, समरी रिवीजन भी हर जगह पे यहाँ पे करके रख दी। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार जुम्मेवार है और सरकार को हमने जिताया कि आप जो इलेक्टोरल बैटल यहाँ पे है उसमें आप लोगों ने कई जगह के कोताहियां की हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अस्थवाइज रियासत जो यहाँ पे रही है और जिसको अब यूटी में भाजपा ने कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पे इलेक्शन अथॉरिटी सिर्फ बीआर शर्मा साहब हैं जिसको गवर्नर ने ओथ दिलवाई। पुलिस साहब तो कहीं गिनती में नहीं थे, दिल से सम्मान करते हैं लेकिन जमहूरियत में उसके लिए इलेक्शन अथॉरिटी यहाँ पे जिम्मेवार है जो ऑब्जेक्शन सुन भी सके। लेकिन आज तक ये प्रशासन अमेंडमेंट नहीं कर पाया कि ये पावर हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट के जरिए हम इलेक्शन अथॉरिटी बीआर शर्मा साहब को दे दें ताकि वो चुनाव कंडक्ट करवा दें। इनकी आपसी लड़ाई, आपस में गुटबाजी जो देखने को यहाँ पे मिली, अगर संजीदा आदमी होते तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 73rd और 4th अमेंडमेंट के तहत ये बिल्कुल चुनाव चीफ जो हमारी इलेक्शन अथॉरिटी है बीआर शर्मा साहब के अंतर्गत यहाँ पे आनी थी। लेकिन आप देखिए कि भाजपा ने जो कॉर्पोरेशन भी चलाई कितनी मीटिंग हाउस में कर पाए, हर बार जब हमारे कांग्रेस के कॉर्पोरेटर विरोध करते थे तो ये भाग जाते थे, मीटिंग कराने से डरते थे। और आज जो सिर्फ चौकों के नाम तब्दील कर सके हैं लेकिन जम्मू शहर में भाजपा ने करके क्या दिया? जो कॉर्पोरेशन के हवाले थी, क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट ये पूरा ला पाए? कोई मॉडर्न स्लॉटर हाउस बना पाए? वही एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कहाँ पे मॉडर्न स्लॉटर हाउस बना पाए? ये कहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, कहाँ पे सूर्यपुत्री को पूरा इन्होंने उस नालों से गंदगी से आजादी दिलाई? आज भी स्मार्ट मीटर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, थोड़ी सी बारिश आती है तो नालियों में पानी कम तो सड़कों में पानी ज्यादा होता है, तो क्या जुम्मेवार क्या है? ये अभी भी 600 सफाई कर्मचारी ये लागू नहीं कर सके, उनके दो दो साल हो गए उनके इंटरव्यू सिलेक्शन है। तो भाजपा कर क्या रही है? ये खुद ही भाजपा है जो आप बोलती थी प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं लगाएंगे, वही भाजपा बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। लेकिन तो जनता इनसे तो जनता भी कहना है कि जो डेवलपमेंट हुई है हमसे पहले जो सरकारें थी, भाजपा से पहले जो सियासतदान थे वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। उनका अपनी पीठ का थपथपाते हैं, उन्होंने अपना क्या रोल अदा किया? महंगाई के मार से लोग जूझ रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स से लोग जूझ रहे हैं, स्मार्ट मीटर से लोग जूझ रहे हैं और टोल प्लाजा के लेके पूरा जम्मू शहर बंद करना पड़ा। एम्स को लेके जो यहाँ पे एम्स मिला वो भी जम्मू शहर 3 दिन बंद यहाँ पे रहा। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा जो कहती है करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। आज भी कई जगह पे जो लोगों को सहूलत देने की बात आए कहीं पे भी लोगों को सुविधा भाजपा के लोगों ने इस कॉर्पोरेशन के जरिए नहीं मिली है। जी, एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पुलवामा में कांग्रेस की एक मीटिंग थी जिसमें काफी लोगों एक्सपेक्ट किए गए थे कि काफी लोग वहां पर आएंगे जहां पे वकार उसुलवानी जी जाने वाले थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई और सोशल मीडिया पर ये कहीं ना कहीं वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी, वहां पर लोग ही नहीं थे, वो आजाद साहब की लहर है सब, और कांग्रेस को एक एक ईंट जो लगाई है वो आजाद साहब ने लगाई है, इसलिए कांग्रेस की बिल्डिंग जो है वो इसको लेकर क्या फ्लाइट में नहीं वहां पे पहुंचे, फ्लाइट नहीं पहुंच सकी तो क्या होगा? कई बार होते हैं इलेक्शन में प्रोग्राम शेड्यूल होते हैं, नहीं इंसान पहुंच सकता, अथॉरिटी तो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो कहीं पे भी ऐसा कोई चीज यहाँ पे देखने के लिए नहीं आई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहीं नामो निशान में हमारे इस खाके में नहीं है। कितने जलसे कर पाए, कितने जिले हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने में आया कि उसको कैंसिल कर दिया गया। नहीं नहीं कैंसिल, ऐसे नहीं, शेड्यूल में था, खाली थी, लोग ही नहीं थे खाली। जब प्रोग्राम ही नहीं हुआ तो वो तो पहले पता लग गया था भी वहाँ पे फ्लाइट नहीं पहुंच रही। जब विकास सूर की फ्लाइट ही वहाँ पे नहीं पहुंची तो प्रोग्राम कहाँ से होना था। फिलहाल क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस डट के बनाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से भाजपा ने जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए और महाराजा हरि सिंह के पीठ के पीछे चूरा घोंपा, जो हमें गवर्नर हुआ करता था आज एलजी के पोजीशन पे हमें बिठा दिया, डीग्रेड किया तो भाजपा ने किया। मुलाजमों को तंग करके रखा कि कोई अपनी बात नहीं रख सकता, कोई धरने नहीं दे सकता, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। आप जो मुलाजम हैं उनके जीपी फंड रोक के रख दिए, लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हों या दूसरे लेबर कैजुअल लेबर्स हों उनको रेगुलर भाजपा ये लोग नहीं कर पाए। आश्वासन बड़े देते हैं, भाजपा के दफ्तर के आगे कितने प्रदर्शन सीआईएसएफ वालों ने किया, बदले में क्या मिला? रिक्रूट स्कैमेंट स्कैम सबसे ज़्यादा हो गए तो भाजपा के इस प्रशासित डबल इंजन की सरकार है। 2014 के बाद रिक्रूटमेंट स्कैम सारे निकल के आए, 3500 स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिए। ये साफ दर्शाता है कि ये स्कूल बंद करने के लिए ये जो सरकार है ये छात्र विरोधी सरकार है, और जब छात्र विरोधी स्कूल बंद कर दोगे तो टीचर कहाँ से अपॉइंट होंगे? आपने जो लोकल अफसर थे उनको डिमोरलाइज यहाँ पे कर दिया। हर जगह पे हर मरले पे भाजपा जो है वो फेल हो गई। कोरोना के सिलसिले में भी जो लोग जो पीड़ित परिवार थे उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं दे रहे, झूठ बोलने वाली सरकार है। यहाँ का एमपी बोलता है कि जनाब मैंने मेट्रो चला दी, आपने भी सुना होगा। अब पार्लियामेंट में ये झूठ बोलते तो हम बाकी लोगों का क्या? कोरोना के सिलसिले में पार्लियामेंट में मिनिस्टर बोलता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी नहीं मरा, मैं नहीं बोला, ये मिनिस्टर का बयान है। लेकिन जम्मू आप कश्मीर में आके देखो ना, जम्मू कश्मीर में 100 कैबिनेट मिनिस्टर इन्होंने भेज दिया, प्रधानमंत्री के कितने दौरे लगे, पल्ली गाँव में जाके देखो कितना उसका विकास यहाँ पे हुआ। रिफ्यूजियों को 35-30 लाख रुपया मनमोहन सिंह जी देना चाहते थे, ये लोग 5.5 लाख से ज़्यादा नहीं दे पाए। पूरा रिफ्यूजी तबका जो जम्मू कश्मीर का वो नाराज यहाँ पे है, उनको कश्मीरी रिहेबिलिटेशन पैकेज वो प्रॉपर तौर पे कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाए? कहाँ पे मनमोहन सिंह जिन्होंने जस्ट जटकी शेखपुरा वेसू बडगाम अनंतनाग सब जगह पे उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दिए, ट्रांजिट अकोमोडेशन, ये लोग कहाँ पे कर पाए? कितने नौकरी जो 6000 मनमोहन सिंह ने दी थी कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए, ये 6 साल से आगे नहीं बढ़ पाए। ये बातें बड़ी करते हैं, जनता बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये आओ लोगों के बीच में जाओ, उन घरों में जाओ जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए, लोग इसका जवाब देंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल खास बातचीत में हमारे साथ रमन भल्ला जी थे और जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने बातचीत जो है वो करी। और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो फिलहाल कॉरपोरेशन जो डिसॉल्व किया उस पर भी इन्होंने अपने विचार रखे। और इस कन्वर्सेशन को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में जरूर रखिएगा। नमस्कार।